नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं या स्त्रियों को शमशान घाट में क्यों नहीं जाना चाहिए। हम आपको बताएं, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि शमशान घाट में स्त्रियों को जाने से मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती। शमशान घाट में कई चीजें ऐसी होती हैं जिसके कारण महिलाओं का वहां जाना वर्जित है। शमशान घाट में मृतक के सिर पर डंडा मारा जाता है और महिलाओं का हृदय कमजोर होता है, इसलिए भी उन्हें वहां जाना वर्जित है। प्रत्येक धर्म की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। यही मान्यताएं हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को लेकर हैं। इसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जब पुरुष शमशान घाट में सब को लेकर जाते हैं, तब घर की महिलाएं घर को स्वच्छ कर नहा धोकर घर को साफ कर कीटाणु रहित कर देती हैं, और पुरुष जब मुर्दे को जलाकर घर लौटते हैं तो मृतक के शरीर से अनेक कीटाणु निकलते हैं। पुरुष नहा धोकर घर में प्रवेश करें तो उन्हें घर स्वच्छ और साफ मिलना चाहिए। शुद्धि के बाद ही मृतक को जलाने वाला घर में प्रवेश करे। कुछ लोग ऐसा नहीं करते, उनके घर में अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है जो परिवार और पड़ोसियों के लिए घातक होती है। ऐसे ही कुछ धार्मिक कारण हैं जिन्हें जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। यदि आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं तो आप इसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। ऐसा कहा जाता है, शमशान घाट पर बुरी आत्माओं का वास होता है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। ऐसी गरुड़ पुराण की मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं की तरफ भूत प्रेतों का ज्यादा रुझान होता है। वह शीघ्र ही उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भूत प्रेतों के इस प्रभाव से बचने के लिए महिलाओं को शमशान घाट नहीं ले जाना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो भी परिवार का सदस्य अंतिम क्रिया में शामिल होता है उसके लिए सिर मुड़वाना अनिवार्य होता है। फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए सिर का मुड़वाना जरूरी है। स्त्रियों का सिर मुड़वाना घर परिवार के लिए बेहद अशुभ होता है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए उन्हें शमशान घाट जाने से रोका जाता है। स्त्रियों को वश में कर भूत प्रेत शीघ्र ही उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये लोगों पर निर्भर करता है कि कौन इस परंपरा का पालन करता है और कौन इसका उल्लंघन। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। अगर हमें अनिष्ट से बचना है तो महिलाओं को अपनी संस्कृति के अनुरूप चलना होगा। इसे मानना हमारी इच्छा पर निर्भर है। बहुत से पश्चिमी सभ्यता से जुड़े लोग इसे समझने और मानने से इनकार कर देते हैं। हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आइए इसे निभाएं। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।